क्रिया का फल पड़ता है। संज्ञा के उस रूप को कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है, जैसे नेहा को बुखार है। बच्चे इसमें आएगा जिस वस्तु पर क्रिया क्रिया का फल का प्रभाव पड़े। जो क्रिया हो रही है ना वाक्य में, जैसे नेहा को बुखार है, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? नेहा, क्योंकि नेहा को बुखार है, इसलिए ये जो है संज्ञा के रूप में कर्म कारक कहलाता है। निधि को मैंने बुलाया है को बुलाने का जो है फल किस पर पड़े? निधि पर। अगर को हटा दिया जाए तो है कर्म कारक नहीं सिद्ध का बोध नहीं होगा हमें। नेक्स्ट, करण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है से और के द्वारा। बच्चे इसमें ये आ गया कि संज्ञा के जिस रूप पर क्रिया के जो क्रिया हो रही है ना उसके साधन का बोध हो, जिस वाक्य में क्रिया हो रही है उसके साधन का बोध हो तो उसे ही हम कर्म कारक कहते हैं। साधन के किस के जो कौन सी क्रिया हो रही है, किस प्रकार की क्रिया हो रही है, जैसे नेहा पुस्तक के द्वारा पढ़ रही है, नेहा पुस्तक पढ़ रही है, अगर के द्वारा हम हटा दें तो है कर्म कारक का बोध नहीं होगा। इसलिए के द्वारा कर्म कारक लगाकर हमें यह जो है उसके साधन का बोध हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट, संप्रदान कारक। कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है वह संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह के लिए अथवा को है, जैसे गरीबों को खाना दो, मेरे लिए दूध लेकर आओ। बच्चे इसमें है कि जो कर्ता अपने कर्म के द्वारा किसी दूसरे को संतुष्ट करना चाहता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे गरीबों को खाना दो, कर्ता अपने द्वारा गरीबों को खाना देकर संतुष्ट करना चाहता है। इसलिए किसी अपने द्वारा ऐसा कर्म करना जो दूसरों को संतुष्ट करता है संप्रदान कारक। इसमें को और लिए संप्रदान कारक है। नेक्स्ट, अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से अलग होने के अर्थ में होता है। बच्चे अपादान कारक होता है अलग होने का भाव प्रकट करता है। जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे रूप जिसमें अलग होने का दूर होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से फल गिरा, फल किस से गिरा? पेड़ से। अलग होने का भाव प्रकट होता है बादलों से वर्षा हो रही है, वर्षा किस से हो रही है? बादलों से। बादलों से दूर अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट, संबंध कारक। किसी शब्द का क्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द के साथ जो शब्द होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह का के की के आदि है। जैसे बच्चे संबंध कारक वो होता है जो क्रिया के अतिरिक्त मीन अलावा किसी और दूसरे शब्द के साथ अपना संबंध जोड़ होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे सीतापुर मोहन का गांव है। अगर सीतापुर के साथ मोहन आ गया ना, का गांव है, अगर का इसमें हटा दिया जाए तो सीतापुर मोहन गांव है। ये संबंध जो है ये वाक्य पूरा अर्थहीन ही हो जाएगा। इसलिए संबंध कारक लगाने से वाक्य का अर्थ भी आ जाता है और संबंध कारक के माध्यम से ही अर्थ पूर्ण होता है। नेक्स्ट, अधिकरण कारक। जो शब्द क्रिया का आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह में पर है। बच्चे अधिकरण कारक क्रिया का आधार होता है। इसके बिना जो है अधिकरण कारक के बिना वाक्य अधूरा ही रह जाता है। इसमें चिन्ह आते हैं मैं और पर। जैसे कमलेश वन में घूम रही है, मैं कमरे में पढ़ रहा हूँ। अगर मैं हटा दिया जाए अधिकरण कारण का बोध नहीं हो सकता। नेक्स्ट, संबोधन कारक। किसी को पुकारने या सावधान करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका चिन्ह अरे ओ आदि है। जैसे हे भगवान, ये क्या हुआ, अजी जनाब, कहाँ जा रहे हो। बच्चे इसमें है किसी को पुकारने या किसी को सावधान करने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हम किसी को पुकारते हैं जी सुनिए, हे भगवान, ये क्या हो गया। भगवान को संबोधन करते हैं ना हे कहकर, अजी जनाब। हम किसी दूसरे जो है मनुष्य को पुकारते हैं अजी कहकर, ये संबोधन कारक है किसी को बुलाना या पुकारना।